वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यत महां प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे श्री गुरु दीनतारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हम कंटिन्यू रखते हैं हमारे भागवत गीता का स्टडी, चौथा अध्याय। और वैसे श्लोक संख्या 3 से है, लेकिन थोड़ा मैंने हम पहला और दूसरा केवल अनुवाद पढ़ के देखते हैं, फिर तीसरे में प्रवेश करेंगे। और फिर से ना, भागवत गीता की समझ मेरी ओवरऑल ही बहुत कम है। अगेन आप लोग काइंड हार्टेड सोल्स हो एंड यू आर एक्नोलॉजिंग और काइंडली टॉलरेटिंग और एक्सेप्टिंग एंड लिसनिंग एंड हेल्पिंग मी बिकम अ डिवोटी, तो धन्यवाद उसके लिए। हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड भागवत गीता एंड इफ आई कैन एक्चुअली अब इट पुट इट इनटू प्रैक्टिस एज वेल। ओके, तो बहुत ये चौथा अध्याय पांचवा छठा चौथा और 15वां अध्याय विशेष करके सारे ही गजब है, गन्ने की तरह है ना, सभी जगह से मीठा ही है। लेकिन चौथा अध्याय की बात कुछ और है। इसमें हम देखेंगे ना, इस अध्याय में भगवान ने अधिक श्लोकास भगवान ने बोले हैं। तीसरे में भी ठीक है, अब तो ज्यादा ज्यादा भगवान ही बोल रहे हैं। अर्जुन तो श्रवण कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा भगवान ही बोल रहे हैं सभी जगह। लेकिन बहुत दिव्य ज्ञान दिया, बहुत भगवान अपना परिचय इसमें बहुत अच्छे से देते हैं और आगे भी परिचय देते हैं। यहाँ पे अपना परिचय दे रहे हैं और 10वें अध्याय में भी देते हैं, और फिर 15वें में तो दिव्य धाम की परिचय का परिचय देते हैं, हमारा परिचय और बताते हैं भगवान से साथ हमारा संबंध दिव्य धाम, और फिर क्या फंसावट है, कैसे बाहर निकलना है, क्या जीवन में एंगेजमेंट होना चाहिए। बहुत उम्दा, क्रांतिकारी लाने लायक है भागवत गीता, जीवन में होना तो ऐसा ही चाहिए। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनुरक्ष्वा कवे ब्रवीत। तो भगवान कहते हैं कि मैंने श्री भगवान भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये विवस्वान जी को जो बात हो रही है ना, तो ब्रह्मा जी का क्या हिसाब बैठा है कि एक दिन ब्रह्मा जी के 12 घंटे हुए 1000 चतुर्युगी, उसी को एक कल्प बोलते हैं। और वो एक कल्प ऐसे ब्रह्मा जी की 12 घंटों की रात होती है, आएगा 8वें अध्याय में तब और रसास्वादन करेंगे। और ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन एक रात हुआ, ऐसे ब्रह्मा जी के समझिए 1 महीने, हमारे हिसाब से 1 महीना ना, ऐसे करके उनकी 100 वर्ष की आयु होती है। तो ब्रह्मा जी के एक कल्प मतलब 1000 चतुर्युगी में 14 मनवंतर आते हैं। मनवंतर जो सृष्टि के रचना क्रम को आगे बढ़ाने के लिए ना, प्रयोजन और ये प्रोजेनी और को आगे बढ़ाने के लिए इत्यादि देखते हैं, कार्यभार करते हैं। और उन 14 मनवंतरों में जो अभी जिनका शासन चल रहा है वो है सातवें मनवंतर वेवस्वत मनवंतर, जो कि सूर्यदेव विवस्वान जी है, और इनको भगवान ने भागवत गीता का ज्ञान दिया।
अनादिकाल से भगवान ज्ञान देते आ रहे हैं। भगवान का यही काम है ना, देखे ध्यान रखना सबका, और ज्ञान देना, सबसे स्नेह प्रेम रखना, सबको सही मार्ग दिशा में लेके आना, सबकी इच्छा पूर्ति करना। तो सभी भगवान तो लुटा ही रहे हैं, दे ही रहे, दे ही रहे। और भागवत गीता भी खुला किताब है ना, खुला ग्रंथ है एकदम से, हमारे अल्टीमेट हित के लिए, अल्टीमेट कल्याण के लिए। तो ये भगवान ने ऐसे ये योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव जी को दिया, विवस्वान जी को, उन्होंने मनुष्य के पिता मनु महाराज को दिया, और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ये परंपरा से इसे चला आ रहा है ना, राजाओं और ऋषियों का परंपरा से। और कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि जो हमें समझा रहे हैं, है ना, हम कलयुग में बद्ध जीव है, हमें क्या समझा रहे हैं भगवान कि भाई मोटा मोटा अगर हम इतना समझे क्या कि तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, भगवान है, और निष्काम भाव से कर्म करो, फिर भगवान है, भगवान से प्रेम करो, सेवा करो, अपने आप को समर्पित करो, इत्यादि इत्यादि। तो और ऐसे भगवत तत्व, भगवत प्रिंसिपल्स, वो सब समझा रहे हैं, हाउ टू बिकम अ डिवोटी, हाउ टू लीड लाइफ, एंड ऑल्सो एवरीथिंग, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, संसार, जन्म दुख जरा व्याधि कष्ट, ये सब सारा ज्ञान। तो ये जो ऐसे ऐसे फिलोसॉफी या प्रिंसिपल्स, इनके इनका भगवान ने सभी को, जब भगवान तो सब जगह क्लास देते हैं ना, या देवी देवताओं की सभा में भी शास्त्रों के माध्यम से, ब्रह्मा जी के माध्यम से ये सब ज्ञान दिया। और फिर एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नश्च परन्तपः, है ना। तो इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। अब देखिए, सामान्य दृष्टिकोण से बात करें ना, तो अगर हम भारत में एक सर्वे करें, भारत के बाहर भी, और ये हम देखें कि भगवान ने भागवत गीता किसको किनको बोली, तो ठीक है, सामान्य हम सब कहेंगे ना अर्जुन जी को कही, बात ठीक भी है, सही भी है, लेकिन ये नहीं पता कि भाई विवस्वान जी को भी बताए, मनु महाराज को भी, और इत्यादि ऐसे, ये भगवत तत्व, भगवत ज्ञान विद्या, और देते ही आ रहे हैं भगवान। कई हमारे के ना थोड़ी संकुचित सोच, संकुचित समझ है ना, तो हमें ऐसा ही लगता है प्राय कि अच्छा 5,000 वर्ष पूर्व आए थे और अर्जुन जी को ये उपदेश दिया, और इससे पहले त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे, द्वापर में आपके कृष्ण भगवान आए थे, कलयुग में कल्कि आएंगे, और ऐसे करके, और ये एक युग पूरा खत्म हुआ, ठीक है। इतनी मोटा मोटी समझ प्राय सी है कि और थोड़ी ना भगवान ने कहीं कुछ गीता का ज्ञान दिया या किसको क्या बताया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बताया ना 120 करोड़ या कितने करोड़ों साल पहले किन किन को बताया, फिर कितने करोड़ों साल पहले, ऐसा। तो भगवान तो ये ज्ञान देते ही आ रहे हैं। ये आध्यात्मिक जीवन में हम हमें ये, जैसे हम कल बात और भी देखेंगे अभी, ये हमारी समझ को और बड़ी बनवानी है और बड़ा बनाना है, तो आध्यात्मिक जीवन में ऐसा ये टाइम स्केल या टाइमलाइंस के हिसाब से चीजें इतनी बैठती बैठती नहीं, या ये इतना हम संकुचित नहीं कर सकते। भगवान ऑलवेज एक्सपांडिंग है ना, और इत्यादि, देयर इज नो टाइमलाइंस है, बट आत्मा के लिए तो कोई जन्म या कोई मृत्यु नहीं है ना। अब ये बद्ध अवस्था में इसीलिए ये टाइमलाइंस है, और वो भी कृपा है भगवान की, ताकि ठीक है इस टाइमलाइंस को लेते हुए अल्टीमेटली इस टाइमलाइंस के शैकल से बाहर निकले हम, तब हम फ्रीडम महसूस करेंगे, तब हम फ्री अपने आप को समझेंगे। जब भगवान का आश्रय हम अच्छी तरह से लें, तब अपने आप को हम समझेंगे, अन्यथा तो देखिए संसार में बहुत कुछ है हमें विचलित करने के लिए।
तो परंपरा से भगवान बताते आ रहे हैं। और परंपरा तो देखे नष्ट होने के लिए ना, समय के काल के प्रभाव से, काल बहुत बहुत प्रभावशाली है, काल का प्रभाव बहुत बलशाली रहता है। तो परंपरा से भगवान ने बताया भी, लेकिन ये नष्ट हो गया। और जैसे ऋषियों को बताया, उन्होंने राजाओं को दिया। और देखिए ना, वास्तव में राजा ऐसा होना चाहिए जो कम से कम इन चार नियमों को तो रखे ना। राजा किसका देखभाल करते हैं? प्रजा की। प्रजा में केवल मनुष्य ही नहीं आते ना, पशु भी तो आते ही हैं। पशु भी प्रजा के ही मानी जाती है। फिर वृक्ष और भी आते हैं, प्रकृति, वातावरण सब आता है ना। तो राजा को ओवरऑल सब देखना चाहिए। एक बार प्रभुपाद के टाइम में, या प्रभुपाद के जब वो नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, शायद कई भक्तों ने भारत के बाहर, रशिया या कहाँ पे, एक प्रकार से एक पॉलिटिकल पार्टी भी करनी चाहिए, इफ आई एम करेक्ट इन सेइंग। या प्रभुपाद के समय उन्हें बोला कि भाई प्रभुपाद, हम एक इलेक्शन करेंगे और देन वी विल एस्टेब्लिश वैदिक कल्चर। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से प्रयास भी किया कुछ एक छोटा इलेक्शन ही करने का, और अगर जीत पाए, और फिर जीत के क्या ना, स्कूलिंग, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने का, एजुकेशन एडमिन। और ऐसा नहीं है फोर्सफुली किसी को कृष्णा भावनामृत देने का, और फोर्सफुली किसी को माला या भक्ति कराने का। भक्त फोर्स का काम नहीं करते। और ये है ही इतना दिव्य कि इसमें फोर्स की जरूरत नहीं है। देखो कहीं पे अगर फोर्स नहीं लगे तो भाई ऐसा भी समझना ही चाहिए हमें कि भाई इनके पास है ही कुछ ऐसा इतना कि ओके, दे आर नॉट सो मच। फोर्स तो वो ही लगाते हैं ना जिनको थोड़ा लगता है कि कुछ कमी सी है। बट यहाँ कमी वाली बात नहीं, यहाँ तो सारी प्रेरणा वाली बात है और कृपा वाली बात है। भगवान ही हृदय में विराजमान सबके, वो प्रेरणा दे, कृपा दे, और भक्तों केवल गाइड या दिशा ना। जैसे कई हमने बात करी ना पहले, कई बार साधु क्या करता है, सावधान करता है और समाधान कराता गाइडेंस देते हैं ना साधुगण, तो वार्निंग्स, गाइडेंस देते हैं, रूट मैप बताते हैं इस तरह से। जैसे सैटनेव है ना, एक जगह से दूसरी जगह ना जाने के लिए सैटेलाइट से नेविगेट आप करते रहो। तो साधुगण शास्त्रों के माध्यम से ऐसे जीवन को नेविगेट करा के भगवान के चरणों में किन्हीं को आश्रय दिलाते हैं। तो ये ज्ञान भगवान ने परंपरा से देते आए, लेकिन काल के प्रभाव से ये लुप्त हो गया, नष्ट हो गया। काल का ये है ना, लुप्त कर देना, नष्ट कर देना। तो अब चाइनीज विस्पर के तरह ना, परंपरा से चलता रहा लेकिन फिर भी लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यही प्रथा वाली बात हो जाती है कि प्रथा प्रथा। लेकिन भागवत गीता का ज्ञान कभी भी नष्ट या लुप्त नहीं हो सकता, ढका जा सकता है, ढका हुआ है तो जीव के अंदर का ये खुद का ही उसका स्वरूप, ज्ञान, प्रेम है ना। इसको कभी, इट कैन नेवर डाई, इट कैन नेवर डाई, इट कैन गो डोरमेंट। डोरमेंट जरूर होगा, है ही, लेकिन इट वोंट डाई। तो ये पूरा वही प्रयास है पुनः गुरु परंपरा से। और शिक्षा तो देखिए परंपरा से ली भी बढ़िया रहती है ना। तो चार संप्रदाय भी है, ये श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय है ना, शिव जी के अंतर्गत रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी के अंतर, कुमार संप्रदाय चार कुमारों के अंदर, और ये ब्रह्मा जी के अंदर ब्रह्म मौर्य गौड़ीय संप्रदाय। सारे वैष्णव संप्रदाय ही है और हम उन इसी संप्रदाय में आते हैं। कुछ कह रहे हो? रामानुजाचार्य संप्रदाय भी है ना। हाँ, से तो निम्बार्क आचार्य, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य तो एकदम ऐसे निम्बार्काचार्य माना जाता है ना। हाँ, साउथ इंडिया में बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, और ये उनकी पूजा की विधि और भी बहुत सुंदर है, अर्चना की। तो संप्रदाय में ये मंत्र फलता है वास्तव में, संप्रदाय के अंतर्गत, अन्यथा फलता भी नहीं है। तो कि
क्रम है, लेकिन वास्तव में जैसे भागवत में, भागवतम में शुरू में बताते भी हैं ना कि कई ऐसे जब सूत गोस्वामी और सुखदेव जी का आगमन और करते हैं तो देखते हैं कि भाई कितने ऐसे यज्ञ में या क्या में जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं उन धर्मों के उपासनाओं या उन साधनों से आत्मा का कोई हित नहीं होना, कल्याण नहीं होना। ऐसे ही हम देखते हैं कई ऐसे स्कूल कॉलेज इत्यादि, कई पढ़ाई है, कई ऐसी चीजें हैं करने को, जिनसे करके कुछ कुछ हासिल नहीं होता, समय का अपव्यय है। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी कई ऐसे साधन है, कई ऐसी चीजें जो हृदय के परिवर्तन नहीं लाती। बस ठीक है, एक बार मन को कहीं लगा दिया भटकाव में और थोड़ा सा होप आशा को रखे रखती है, बस खुद को एक बिलीफ और खुद को एक होप और खुद को एक सेटिस्फेक्शन, यस आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग, दिस इज स्पिरिचुअल, दिस इज रिलीजियस, दिस इज गुड। तो ज्ञान तो गुरु परंपरा से अर्जित किया हुआ ज्ञान बढ़िया है, वही सही है। और जैसे कल और थोड़ा चर्चा कर रहे थे ना, ज्ञान अर्जित करने का क्या तरीके, क्या माध्यम, प्रोसेस। तो एक तो इंद्रियों से अपने ज्ञान लेना, लेकिन हमारी सारी इंद्रियां बद्ध है ना, एक रेंज के बाहर हमें दिखता नहीं है ना, अंधेरे में ऐसे ही नहीं दिखता इत्यादि, एक रेंज के बाहर नहीं दिखता, देख के भी हम गलत देख लेते हैं, सुन के भी गलत सुनते, एक रेंज के बाद सुनाई भी नहीं देता, सूंघ के भी गलत सूंघते हैं, कई बार हमारे सूंघने की शक्ति चली जाती है, स्पर्श करके भी पता नहीं आता इत्यादि। तो हमारे इंद्रियां ग्राह्य नहीं है ये अपौरुषीय दिव्य ग्रंथ को समझने के लिए, तो इसीलिए गुरुजनों का चाहिए जो मटेरियल प्लेटफॉर्म से ऊपर उठे हुए हैं, तो उनसे सुनेंगे तो हृदय में हमारे आएगा ये, क्योंकि है ये ज्ञान दिव्य है आत्मा का, लेकिन हम उस स्तर पे नहीं है, बट जो उस स्तर पे उनसे अगर हम श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में भी ये संचारित होगा, ट्रांसमिट होगा। या फिर एक है कि लॉजिक अजम्पशंस ये सब लगा के, कुछ कंस्ट्रक्शन थियोरम्स लिए लगा के, बट उसमें भी नहीं समझ में आएगा ना, वो भी कंक्लूसिव नहीं होगा। सो बेस्ट इज व्हेन वी टेक इट फ्रॉम अथॉरिटी, तो गुरु परंपरा को अथॉरिटी मानते हुए और उसमें भी देखते हुए, जांच पड़ताल करते हुए, इस प्रोसेस बोनाफाइड, जैसे स्कूल में किसी की भर्ती करते हैं, स्कूल रजिस्टर्ड है कि नहीं है, टीचर्स कैसे हैं, माहौल कैसा है, यहाँ से बच्चे कैसे निकलते हैं स्कूल से पढ़ाई करके, उनका चरित्र कैसा बनता है, क्या ये स्कूल ऑफर कर रही है, उस तरह से देखते हुए और फिर हम प्रयास करें। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? तो तीसरा श्लोक पढ़ते हैं, इसके अनुवाद में उत्तर है, वैसे प्रश्न अभी पूछता हूं मैं, आप लोग बताना कि भगवान ने अर्जुन का क्यों चयन किया, अर्जुन को क्यों भागवत गीता सुनाई, क्योंकि सुनाने को तो और भी पांडवास थे ना, युधिष्ठिर महाराज को भी सुना सकते थे, भीम जी को भी, नकुल सहदेव, सुनाने को तो, लेकिन खास करके अर्जुन का ही क्यों चयन किया, तो ये अनुवाद में थोड़ा स्पष्ट ही है, लेकिन बढ़िया होगा अगर आप लोग कोई बताएं भी अनुवाद सुन के। सुशीला जी केवल श्लोका पढ़िए, सुशीला जी श्लोका पढ़िए और सुधा जी आप अनुवाद पढ़िएगा और आरोही तात्पर्य पढ़े। आवाज नहीं आ रही है सुशीला जी आपकी, अब आ रही है। स अब आ रही है। एवायम तेज्य योग है प्रोक्त है पुरातन है भक्तोसि मे सखा चेति
रहस्यम एतदुत्तमम्। सुधा माता जी अनुवाद पढ़िए। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। आरोही आप पढ़ पाओगे? आरोही माता जी तात्पर्य। आरोही माता जी पढ़ पाएंगे क्या? ठीक है, सुशीला माता जी आप पढ़िए तात्पर्य। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन की इस विद्या का पात्र भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है, इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए ये एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का आगे कर दू स्क्रीन को। हरे कृष्णा। वे किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए ये एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हुए। दीक्षा जी आप पढ़िए अनुवाद। ना दीक्षा जी भैया, आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग योनि परमेश्वर के साथ तुम के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो प्रश्न है कि भगवान ने अर्जुन का चयन क्यों किया? अर्जुन भगवान कृष्ण को भगवान समझते थे और वो भक्त थे कृष्ण के और मित्र भी थे। ठीक है, सुंदर। और कोई कहना चाहे? हाँ, दीक्षा, अनुजा, हर्षा, सुधा माता जी, आरोही माता जी, any thoughts? हाँ भैया, मतलब अर्जुन जी को पता था that Krishna ji is not ordinary। आशीष कहाँ है? क्वेश्चन है, भगवान ने अर्जुन को क्यों भागवत गीता सुनाया? क्योंकि आशीष अर्जुन गृहस्थ जीवन भी जी रहे हो, वो एकदम ऑर्डिनरी आपा जी आज के डेट में गृहस्थ जीवन जी रहा, तो महाका जी सारा समझान कर लिया अर्जुन वाज द राइट फिट। ठीक है, अनुवाद पढ़िए एक बार और फिर बताइए भगवान ने अर्जुन को क्यों भागवत गीता सुनाया।
अनुजा पढ़ी अनुवाद। क्योंकि भैया अर्जुन जी का संबंध था सुप्रीम से, परमेश्वर से। ओके नाइस। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान ने अर्जुन को क्यों भागवत गीता का प्रवचन दिया? अर्जुन में कैपेसिटी थी इतने समझने की, ये हुई ज्ञान को। सुंदर है। सुधा माता जी क्या बोलोगे? भगवान ने अर्जुन को क्यों भागवत गीता का प्रवचन दिया? वो विद्वान थे और वो विज्ञान के दिव्य रहस्य को भी समझ सकते थे, इसलिए। ठीक है, हर्षा आप क्या बोलोगे? यही सारे पॉइंट्स है, अब तो कवर हो गए हैं कि पहली बात कि वो भक्त थे सच्चे, और दूसरी बात उनके मित्र थे उनको। ठीक है, तो भगवान ने अर्जुन को अर्जुन का चयन या उनको इसलिए दिया क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, है ना? और भक्त तथा मित्र मतलब अर्जुन का हृदय सरल, बिकॉज अर्जुन अलाउड हिमसेल्फ टू बी दिस टू लिसन टू दिस, ही वॉज ओपन इनफ टू लिसन टू इट। क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, द्वेष नहीं है। जैसे देखे ना ये स एवायम मया तेत्या योगो प्रोक्त पुरातन, पुरातन योग है ना, पुरातन बहुत पुराना। कहने से मतलब, अब देखिए एक और बात, भौतिक जीवन के अनुसार कोई चीज पुरानी हो तो सड़ जाती है ना, फिर उसकी कोई इतनी वो नहीं रहती है। जैसे कहने कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई शराब पुरानी हो तो बढ़िया रहती है इत्यादि, जैसे भाई पुरानी हो ना और तो सब सड़ जाता है, समय के साथ सब नष्ट हो जाता है। लेकिन ये जो अब ये इसलिए टाइमलेस विजडम बोलते हैं भागवत गीता को, ये जो ऐसा योग है ना जो इतना पुराना है, पुराना मतलब एकदम ओरिजिनल अगर बिगनिंग भी कहना हो तो तब से, लेकिन कोई इसका विकृति नहीं है, कोई इसकी सड़नापन तो है ही नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं। इनफैक्ट इट इज एवर न्यू, एवर फ्रेश, एवर यूथफुल। तो प्रभु जी ये आप तो सब जानते हो शराब के बारे में, पुरानी नई। तो भगवान कह रहे हैं ना योगो प्रोक्त पुरातन, पुरातन मतलब पुराना ना, और पुराना से मतलब ये नहीं कि भाई सन 2000 में 1950 1970 इत्यादि, कहने से एकदम प्राचीन ओरिजिनल। भक्तो सीमे सखा चेती, सखा चेती ना, भक्तो सीमे सखा चेती रहस्य में ही तेत उत्तम। तो कोई भी रहस्य का अगर हमें चाहिए ना तो क्या फ्रेंडशिप इज द की, सरलता ना, जेन्युइननेस, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, सरलता, दैट दिए एटीट्यूड। अर्जुन सरल भक्त ना, भक्त तो सरल ही होता है ना, भक्त सरल ही होता है। तो भगवान ने अर्जुन जी का चयन किया, अर्जुन जी को ये ज्ञान दिया क्योंकि उनमें कोई द्वेष भावना नहीं थी, उनमें कोई ऐसा अहंकार या वो बात नहीं था। बाकी जैसा अनुजा बता रही यहाँ ये सारी बातें हैं कि देखिए अब भागवतम में हम देखते हैं ब्रह्मा जी के चार कुमार बालक हुए ना, सनत कुमार, सनातन, सनानंद और आपके चार पुत्र हुए ब्रह्मा जी के।
उनकी कितनी कथा आती है भागवतम में, बस उतनी आके रह जाती है। उनको ब्रह्मा जी ने बोला कि चलो अब तुम लोग तपस्या और करो और सृष्टि की रचना करो, आगे बढ़ो इत्यादि। लेकिन वो चतुर समझदार, वो भाप पाए, समझ पाए कि नहीं भाई यहाँ तो बहुत भटकाव है इत्यादि, ताक तपस्या करके साधना करके इत्यादि भगवान को पाएंगे हम। तो वो फिर 5 वर्ष या जितने वर्ष के रहे उतने ही रहे, कोई उनमें से कोई वृद्धि नहीं हुई और वो संसार में फंसे नहीं, तो उनकी कोई इतनी कथा नहीं है। लेकिन अब भागवतम में हम जहाँ देखें अम्बरीश महाराज जी की कथा, सारी दिव्य कथाएं हैं इत्यादि, तो वो कैसे संसार में कैसे एग्जिट हुई, संसार से कैसे एग्जिट हो। सबसे ज्यादा बिजी या एंगेज कौन है, ऑब्वियसली दोज हु आर इन मैरिड लाइफ, है ना, फॉर ऑल गुड रीजंस, घर संभालना, परिवार संभालना, सब कुछ संभालना, तो इतने व्यस्त होके तो भगवान देखिए कई चीजों, फिर से कल हम बात कर रहे थे ना और कई बार पहले भी करा, कि एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो एक कोई कारण बता दे कि भाई इस कारण से मैं भक्ति नहीं कर सकता। आप लोग कोई सोच के बताइए, आप लोग बताइए कोई एक कारण ऐसा हो कि हाँ भाई प्रभु जी ये व्यक्ति तो नहीं कर सकता भक्ति, इस कारण से ये भक्ति नहीं कर सकता। तो और हम कोई भक्त बोल दे, भगवान बोल दे हाँ भाई तुम्हारी बात जेन्युइन है, ओके ठीक है आप मत करिए भक्ति, फिर आप नहीं कर सकते हो भक्ति, कोई एक कारण ऐसा नहीं मिलेगा। तो भगवान ने अर्जुन का चयन कई ऐसे अब चीजें देखें इसलिए किया, अर्जुन गृहस्थ जीवन में ना और कितने व्यस्त, और ये एडमिनिस्ट्रेशन में, राजपाट संभालने में, घर परिवार संभालने में इत्यादि। तो देखिए कोई बोले कि भाई आई एम टू बिजी, तो बाबा अर्जुन से ज्यादा बिजी है क्या? अर्जुन भी तो गृहस्थ जीवन में है, राजा होके एडमिनिस्ट्रेशन संभालना सब कुछ, एंड कृष्णा चोज हिम एंड अर्जुन आर लिसन। तो उसके लिए गृहस्थ को समझाए, अब कोई साधु बन गया उसको क्या उपदेश देना, साधु ही बन चुका उसको फिर और क्या उपदेश देना ना इस हिसाब से। तो ये तो मुख्य रूप से उनको बताने के लिए, समझाने के लिए। फिर जो सरलता या इस पे सिंप्लिसिटी पे बात ना, सादगी पे, निर्मलता पे, स्वच्छता पे, तो भक्तो सी में सखा चेती, भगवान का भक्त ना सखा मतलब मैं इतना ये है। जैसे हमारे में कल हम बात कर रहे थे ना, बाद में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं, बताते हैं। देखो हमारे में, देखिए हमारे में कैसा रहता है, क्या भाव या कैसी हमारी क्या बोलूं पहचान या हमारी अहंकार, हमारा अहंकार ऐसा रहता है, और प्रभुपाद उसे अहंकार पे ही समझा रहे थे क्या, कि देखिए ये अनेकों भौतिक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स ना, अनेकों अनलिमिटेड मटेरियल यूनिवर्सेस हैं, उसमें एक हमारा ये ब्रह्मांड है जिस ब्रह्मांड में अभी हम सब रह रहे हैं, और इस ब्रह्मांड में हम ब्रह्मा जी की आयु से ही शुरू से ही रह रहे हैं। तो यही ना ब्रह्मा जी की अभी जैसे सातवां मन्वंतर चल रहा है जिनके 28वां चतुर्युग बीत चुका है, तो अब समझिए अब ब्रह्मा जी का शायद द्वापर में 50 ईयर्स पास हो चुके हैं, आई बिलीव वो नेक्स्ट अपने 50 ईयर्स में पर है ब्रह्मा जी, बट वी कैन चेक अगेन फ्रॉम श्रीमद भागवतम। बट एनीवेज हम इस ब्रह्मांड में बड़े लॉन्ग टाइम से हैं, तो अनेकों यूनिवर्सेस में, मटेरियल यूनिवर्सेस में ये एक मटेरियल यूनिवर्स है। फिर इस ब्रह्मांड में 14 भवन है ना, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक इत्यादि, फिर ये पृथ्वी, भूलोक और नीचे के लोक, 14 लोक हैं। उस लोक में एक लोक है पृथ्वी लोक जिसमें हम रहते हैं, जहाँ पे हम हैं अभी। फिर पृथ्वी लोक में, इस भूमंडल में, पृथ्वी लोक में समझिए 200 से अधिक देश होंगे, है ही 200 से अधिक देश। उन 200 से अधिक देशों में 7 कॉन्टिनेंट ये द्वीप समझे, 7 ऐसे हो, उन कॉन्टिनेंट्स में इतने इतने कंट्रीज, फिर जिसमें एक कंट्री है भारत,
अब उसमें समझे भारत में कोई भी पिक करें अगर राज्य, तो समझे बम्बई या दिल्ली या पंजाब या राजस्थान गुजरात जो भी कोई एक राज्य हुआ, समझे दिल्ली फॉर दैट मैटर, दिल्ली में राज्य में इतने लोग हैं सब कुछ, और इतनी कॉलोनियां, इतनी सोसाइटी, इतने लोकेशंस रेसिडेंसेस हैं उनमें, समझो आप एक कॉलोनी, एक सोसाइटी, एक रेसिडेंस कुछ है, उसमें कई लोग हैं रहने वाले, उसमें एक सोसाइटी, एक कॉलोनी, उसमें कई गलियां, उसमें एक गली, उस गली में कई मकान है, कई घर है, उसमें एक मकान, उसमें कई तल्ले हैं, उनमें एक तल्ला कोई, एक फ्लोर कोई, फिर उस फ्लोर में एक कई फ्लैट है, उनमें से एक फ्लैट कोई, उस फ्लैट में कई कमरे हैं, कई लोग रहने वाले, उसमें से हम एक, तो कितनी हमारी क्या, थोड़ा मटेरियली स्पीकिंग क्या है, हम एकदम नेग्लिजिबल है ना, नेग्लिजिबल को जो भी बोले हिंदी में, बहुत 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 अणु, बहुत अणु है ना, सूक्ष्म कितने, लेकिन हमारा अहंकार देखिए। अब हवाई जहाज से अगर जाए हम, हवाई जहाज से देखते ना नीचे देखो तो सब कीट पतंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ही हो, छोटी छोटी दिखती है ना, एकदम घास जैसे दिखती है इत्यादि, लेकिन अहंकार कितना ऊंचा रहता है। तो भागवत गीता का तो वो पात्र है जिसका अहंकार थोड़ा सबड्यू हुआ है, ये नहीं है कि हम पूरे शुद्ध हो जाए, हो कोई शुद्ध होगा तो भागवत गीता समझ पाएगा ना, बस ये द्वेष भावना नहीं हो, है ना, एंटी या ऑफेंडिंग मेंटेलिटी नहीं हो, अपराधजनक मेंटेलिटी नहीं हो, उतना ही चाहिए कि शास्त्रों की थोड़ी श्रद्धा, मान सम्मान, गरिमा महिमा को थोड़ा स्वीकार करें। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं इंट्रोडक्शन में, भूमिका में आगे, क्या कि थियोरिटिकली अंडरस्टैंड करें कम से कम कि कृष्णा भगवान है ना, थ्योरिटिकली अंडरस्टैंड करें कृष्णा भगवान है, और फिर आगे बढ़े और प्रश्न और करते रहे प्रश्न। तो अर्जुन में ऐसा ये नहीं था कि भाई आई एम दिस आई एम दैट, ये एक एंगल, बाकी हाँ अर्जुन गृहस्थ में तो सारा सब कुछ तो गृहस्थों को, यहाँ में सभी के लिए ना, जो दो आर सो बिजीली एंगेज इन सो मच ऑफ एंगेजमेंट, तो हाउ टू मेक आवर एंगेजमेंट सबलाइम, ये बात। और फिर कई अलग अलग दृष्टिकोण सबसे अगर हम देखें तो अर्जुन जी को ये भी ना कि मतलब अगर बड़े सूक्ष्म में कहूँ ना, या सार के हिसाब से, अर्जुन से बेटर कोई कैंडिडेट नहीं मिल सकता था कृष्ण को भागवत गीता का प्रवचन देने के लिए, अर्जुन से बेटर, क्यों, अर्जुन से बढ़िया कोई कैंडिडेट है ना, छात्र नहीं मिल सकता था, क्यों, क्योंकि अर्जुन इस संसार में सबसे क्वालिफाइड थे, द मोस्ट वेल क्वालिफाइड, इंद्र लोक तक चले गए थे है ना, और इंद्र का सिंहासन तक पा गए थे एक प्रकार से, और इंद्र को प्रसन्न किया, इंद्र से उनको मिला भी ना, उपहार मिला, शिव जी को प्रसन्न किया युद्ध में, शिव जी से भी उपहार पाए, देवी देवताओं को सबको प्रसन्न किया, स्वर्ग तक चले गए थे, और धनंजय ना धन जीत के ले गए सब कुछ, और फिर विद्या कला में, कल्चर में, संस्कार व्यवहार में सबको प्रसन्न किया, और साधुओं की सेवा भी करी, ऐसा बात नहीं कि उनको भागवत गीता, उनको शास्त्रों का ध्यान नहीं था, मरम नहीं था, धर्म क्या होता वो नहीं पता था, पता था भाई, कैसे नहीं, राजा राज परिवार में जन्म हुआ, भीष्म पितामह से उन्होंने कितना कुछ सीखा, ऋषि और आते जाते थे, अरे भाई व्यास देव जी के यहाँ से ऐसे जन्म हुआ ना पांडु महाराज के, और फिर ऐसे तो कितने देखे हाई प्रोफाइल साधु संत महात्मा सब आते ही थे ना, ऐसा नहीं है कि अर्जुन को शास्त्रों का भी कोई ज्ञान नहीं था या धर्म का नहीं था, था बराबर था, फिर एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से ही वॉज वेरी लर्नेड, वेरी लर्नेड, हेरोइक, ट्रेमेंडसली ट्रेमेंडसली क्वालिफाइड। तो भगवान को अगर जैसे ऐसे बोलते हैं ना इसको में, ये थोड़ा ना कि भाई तुम्हारे यहाँ बहुत, तुम आईआईटीएंस बहुत भरे हुए हैं ना, आईआईटीएंस बहुत भर लेते हो तुम लोग, आईआईटीएंस को अच्छा रिक्रूट करते हो, या कई आईआईटीएंस और बड़े बड़े लोग हैं, तो उससे क्या, भाई देखो
ये है वो है, ऐसे से बड़े बड़े लोग हैं इत्यादि, कितने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, गजब से एक। तो अर्जुन उस संसार में देखे तो अर्जुन से बड़ा कोई नहीं, बाप रे, स्किल सेट में या किसी चीज में। तो वो भगवान के लिए इज अ वेरी गुड कैंडिडेट ना, अल्टीमेट कैंडिडेट भागवत गीता का संदेश देने के लिए। और हमें इतना ही समझना, देखिए जब अर्जुन ने ना, इसलिए टर्निंग पॉइंट है भागवत गीता का दूसरा अध्याय सातवां श्लोक। भागवत गीता अगर समझना है ना तो हम पहले अध्याय को अच्छे से समझें, पहले अध्याय को, और विशेष करके कई कई श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं ना भगवान को, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापाय मे अच्युता यावदेता निरीक्षोहम योदु कामान अवस्थितान कैर्मयासन योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, है ना। तो कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने आए मेरे से। फिर आगे जाके अर्जुन क्या कहते हैं, वेपतश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवे संसृते हस्तात् क्या त्वाक्चेव परिदायते, कि मेरे शरीर कांप रहा है, वेपस्तश्च शरीरे में कंपन हो रही है, शरीर में कांप रहा है, रोम हर्षश्च जायते ना, रोंगटे और खड़े होते हैं, गांडीवे संसृते हस्तात्। गांडीव अर्जुन को कितना, कई चीजें देखिए, अर्जुन को अभिमान भी गांडीव पे कितना, और गांडीव जैसा कोई धनुष भी नहीं है, बाप रे वो देखे। अब यही ना कि अब इट्स नॉट अ वेरी एट ऑल अ गुड कंपैरिजन, बट समझे गांडीव और उसको अगर आप समझो गाड़ी से या कोई मोबाइल फोन से इत्यादि, ऐसा कोई है ही नहीं, मकान मोबाइल फोन गाड़ी है ऐसा, तो वह गांडीव, गांडीव जैसा धनुष, लेकिन वो गांडीवे संसरते हस्तात, हाथों से छूटा जा रहा है, त्वाक चेवा परिदायते, और मेरी त्वचा भी जल रही है। आगे और कहते हैं ना, न च शक्नोमि अवस्था तुम ब्रह्मतिव च मे मना, क्या निमितानि च विपरीतानि च पश्यामि निमितानि च केशवा, मैं यहाँ और खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, ब्रह्मतिव च मे मना, मेरा मन घूम रहा है, मैं अपने आप को भूले जा रहा हूँ, मेरे को तो सब अशुभ ही अशुभ नजर आ रहा है, सब विपरीत ही विपरीत नजर आ रहा है एकदम। तो ये ऐसे अर्जुन ऐसे स्थिति में आ गया, और ये कौन आया ऐसी स्थिति में, जो संसार में एकदम क्वालिफाइड, टॉपली क्वालिफाइड व्यक्ति, जिनका गांडीव देखो आप, क्या क्या सर्टिफिकेट, और देखें तो अर्जुन जी के पास सारे सर्टिफिकेट है, सारे सर्टिफिकेट। तो भगवान को ये पाठ प्रवचन देने के लिए, इससे अभी समझो, समझिए किसी कॉलेज में वो एडमिशन और लेना है, बच्चों को बुलाना है, तो कॉलेज के ब्रोशर में डालते ना, भाई हमारे कॉलेज से सचिन तेंदुलकर, धोनी पढ़ा, या ये पायलट पढ़ा है, ये पढ़ा है, इंजीनियर निकले हैं, ये निकले, ऐसे ऐसे लोग निकले हमारे कॉलेज से, ये है देखो। तो भागवत गीता भाई इतना ही हम समझे, देखो अर्जुन ने श्रवण किया भागवत गीता का, किन्होंने, अर्जुन ने, जो इतने टॉप क्लास, तो भैया हमें तो पटक से पकड़ लेना चाहिए भागवत गीता और पढ़नी चाहिए, नहीं क्या। जब पता चल जाए कोई फिल्म स्टार ऐसा कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स स्टार ऐसा कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन ऐसा कर रहा है इत्यादि, तो हम फॉलो करते हैं ना, फॉलो करते हैं ना। यही भगवान अर्जुन को तीसरे अध्याय में भी कहते हैं, आचरति यद्यद् आचरति श्रेष्ठास, और भी कई जगह ना। तो अगर ये पता चल जाए हमें कि भाई फलाना होता है ना, भाई फलाना आदमी इस जिम में आता है और बॉडी बिल्डिंग करता है, हीरो हीरोइन या स्पोर्ट्स स्टार कोई, तो भाई इस जिम की मेंबरशिप लो, ये बढ़िया ये बढ़िया, फलाना बच्चा यहाँ कोचिंग करता है, भाई हम भी आने। तो अर्जुन जी ने भागवत गीता का भगवान से श्रवण किया, तो हमें तो सहजता से फिर भागवत गीता का श्रवण करना चाहिए, सहजता से। इसीलिए ना हमें अर्जुन वत बनना है, अर्जुन जी के पद चिन्हों पे अगर हम चलें तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, पूरा का पूरा कृतार्थ हो जाएगा। लेकिन समस्या ऐसी है ना, थोड़ी विडंबना ऐसी है कि हम बहुत वैदिक सभ्यता कल्चर, साधुओं से और शास्त्रों की महिमा गरिमा से हम बहुत थोड़े भटकाव में आ गए, और कई हमने अंधविश्वास बहुत पाल लिए ना,
प्रथाएं बहुत पाल ली। देखो हम क्या ना, हम थोड़ा पूजा पाठ ओरिएंटेड बन गए, बस उतना ही रह गए, पूजा पाठ ओरिएंटेड बन गए उतना ही। और क्या है ना कि भाई ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, पाप लगता है, ये क्यों कर रहे हो, इससे क्या होगा, ये अभी नहीं, अभी दिन छिप गया है, सुबह के समय ये मत करो, शाम के समय ये मत करो, भूत आ जाते हैं इससे, ये भूत आता है घर पे, इससे इसको आकर्षित करोगे, इत्यादि इत्यादि कितना कुछ ऐसा ना कि भाई रास्ते के उल्टे साइड से मत चलो, ऐसे मत चलो, ये मत, ऐसे मत खाओ, वो मत पहनो, ये मत बोलो। तो इन सब में हम कितने ज्यादा ना, बट वी डू नॉट, वी स्ट्रगल टू टेक एजुकेशन प्रॉपर। कभी देखिए, पता नहीं कितने ऐसे घर होंगे जो प्रोत्साहन करें अपने बच्चों को कि भागवत गीता पढ़ो बेटा, कितने होंगे। और कितने ऐसे बच्चे भी होंगे जो औरों को प्रोत्साहित करें कि भाई भागवत गीता पढ़िए, शास्त्रों का अनुशीलन करें, इससे डेफिनेटली माइंड माइंड स्ट्रांग होता है, कंसंट्रेशन, मेमोरी, फोकस इत्यादि, ये सब तो खैर बाय प्रोडक्ट है। तो हम थोड़े से बहुत रिचुअल और रिचुअलिस्टिक में ज्यादा, और इसीलिए ना कई ये सुपरस्टिशियस ओरिएंटेड रिचुअल रिचुअलिस्टिक्स एंड ऑल, कुछ ऐसा नहीं है सब कुछ उसमें खराब है या कुछ सत्य नहीं है, कहीं ना कहीं बात है भी सत्य है, लेकिन अब वी आर नॉट एट ऑल इन टच ना, वी आर नॉट ग्रोन अप ऐसे। तो इसीलिए ये भागवत गीता का ज्ञान लुप्त होते जा रहे हैं ना, इसी कारण से ये कल्चर लुप्त होते जा रहा है, इसीलिए सारी समस्याएं हैं, सारा का सारा समस्या, क्योंकि यज्ञ नहीं कर रहे हैं और ये सब ना। तो देखिए वातावरण, मौसम और समाज में माहौल भी, स्त्रियां भी सुरक्षित नहीं है, सब कुछ इन्हीं कारणों से। मुख्य कारण तो यही है कि ब्राह्मण लोग ब्राह्मणिकल कल्चर से पतन हुए, हम सभी, और वी हैव टू टेक अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ना, इट इज माई इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन नॉट पुट अ फिंगर और ऑन एनी वन एल्स। सो द होल भागवत गीता स्टडीज टू हेल्प माई सेल्फ अंडरस्टैंड द डायर रिक्वायरमेंट, द डायर नीड टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, कितना अनिवार्य है, कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है ये। 1922 में जब प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले थे प्रथम बार, और तब उन्होंने उनको गुरु भी स्वीकार नहीं किया था, तभी उन्होंने बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज जी ने, कि तुम पढ़े लिखे लोग हो, अभय चरण और उनके मित्र नरेंद्र या नरेंद्र, कि तुम दोनों पढ़े लिखे लोग हो, पाश्चात्य देश में जाओ, भारत के ग्लोरी का प्रचार प्रसार करो, भागवत गीता भागवतम का। तब वो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि स्वामी जी अभी नहीं, अभी तो भारत को पहले आजाद कराना है, फिर एक बार भारत आजाद हो जाए फिर हम भागवत गीता भी पढ़ेंगे और भागवत गीता का भी बढ़ाएंगे, आगे बताएंगे तभी। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा ना कि नहीं, इट कैन नॉट वेट, भारत तो आजाद होगा, जब होगा हो जाएगा, दिस कैन नॉट वेट, एंड ऑनेस्टली दिस कैन नॉट वेट। क्या हो गया 70-75 साल, कितने आजाद हो गए हम, रियल आजादी कहाँ है, वो देखना है ना। तो ये भागवत अर्जुन का इसलिए चयन किया ना भगवान ने, भक्तों सीमे सखा चेति, ये तो एकदम फाउंडेशनल, ये तो यही बात है कि अर्जुन भक्त या भगवान का सखा। एक्चुअली भगवान ने अर्जुन का चयन किया बिकॉज कृष्णा को ट्रस्ट, अर्जुन कृष्णा को पुट हिज ट्रस्ट, अर्जुन पे भगवान का भरोसा था, भगवान अर्जुन पे भरोसा कर सकते थे। आपको और हमको भी भगवान चयन कर लेंगे, पूरा भागवत गीता का सार मरम भाव सब कुछ भगवान हमारे अपने पास ले आएंगे, हमें जिस दिन भगवान हमें ट्रस्ट कर ले, जिस दिन भगवान का भरोसा हम पे पक्का हो जाए कि हाँ ये जो व्यक्ति है ना, ये मेरे भक्तों के साथ कैसे रहना है ये जान गई है, ये समझ गई है कि मेरे भक्तों के साथ कैसे ये व्यवहार में रहना चाहिए, ये इतना समझ गई है, और ये शांत है, ये टॉलरेंट है ना। त्रिनाद अपि सुनिश्चिना तरोर अपि सहिष्णुना, अमानी ना मान देना कीर्तन है सदारी, इसको मान की नहीं पड़ी है, और ये जीव जीव सब कुछ जीव को मान देती है, साधुओं वैष्णवों की तो बात ही क्या ना। ऐसा नहीं है देखिए कृष्णा भावनामृत में कि हम केवल भक्तों उसी का मान सम्मान करें,
ओ ही इज अ डिवोटी, देख नहीं रहे हो, तिलक लगाया, धोती कुर्ता कंठी माला है, ही इज अ डिवोटी, वी रेस्पेक्ट हिम, ओ शी इज अ डिवोटी। एंड कोई अभी जो भक्ति में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम अपमान कर रहे हैं, उनको हम थोड़ा नीचा, नो ना, सभी को मान देता है अमान्य। तो जो ये समझ ले कि अच्छा ये एक्चुअली मेरे भक्तों के संग में कैसे व्यवहार करते हैं, इसने ये पकड़ लिया, इसने ये समझ गया, ये मान के पीछे नहीं है, ये सभी को मान देता है और सभी का संबंध मेरे संबंध से देखता ही है, सभी को मेरा जानता ही है, वृक्ष हो पशु हो सभी को, मनुष्यों को, इसमें भेद होते हुए भी ये भेदभाव नहीं करता है ना ये, और टॉलरेंट है, कंप्लेन नहीं करता, और ये जानता है जो कुछ हो रहा है मेरे को ही मानता है कि भाई मेरे जीवन का, तो एक साधक के जीवन में ऐसा ही होना चाहिए, मेरे जीवन का जो भी हेतु कारण कॉज है, जो कुछ आ रहा है वो कृष्ण की कृपा से ही आ रहा है, पूर्ण विश्वास है इसका। तो ऐसा भगवान को हो जाए ना कि ये मेरे भक्तों के संग में रह के कैसा भी भक्त लोग इसको रखे, कुछ भी सेवा दे, कैसे भी रफ एंड टफ, ये कंप्लेन नहीं करता है, एंड ही इज नॉट डुप्लीसिट, ही इज जेन्युइन, ही इज मेकिंग एफर्ट्स, ही इज विलिंग टू चेंज, ही इज ओपन फ्लेक्सिबल, ही हैज इंप्रूव्ड, एंड आई कैन, मेन थिंग इज इफ कैन कृष्णा ट्रस्ट अस, जिस दिन भगवान हमें ट्रस्ट कर लेंगे उस दिन भगवत द्वार खुला हमारे लिए, फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने के लिए गुरु परंपरा है, शरणागति लेना है ना, दीक्षा विधान, दीक्षा लेना, गुरु महाराज से स्वीकार करना, गुरुपाद आश्रय लेना, और वो ट्रेनिंग लेना कि हाँ इसने एक व्यक्ति को ढूंढ लिया संसार में, एक व्यक्ति को जिससे इसको कोई खोट नहीं है, जिसमें इसको कोई खोट नहीं दिखती है, फॉल्ट नहीं दिखती है, दोष नहीं दिखता है, जिससे इसमें सारा समाधान है, जिस व्यक्ति में से इसको सारा समाधान मिलता है ना, जिस व्यक्ति में इसको कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, एंड सारा रिजॉल्व, सारा समाधान है, जिस व्यक्ति को ये समर्पित है पूर्णतया, इस व्यक्ति का इसने ट्रस्ट जीत लिया, एक व्यक्ति का इसने ट्रस्ट जीत लिया, तो ये पा जाएगा। देखिए भारतीय सभ्यता में बहुत अच्छा कल्चर है ना, दिव्य कल्चर है वास्तव में, व्यवहार की बात कहे ना तो क्या पति परमेश्वर बोलते ना, और भी अब आज के डेट में बोले अरे ये सब क्या बस, हाँ पतियों को बना दो परमेश्वर, पीपल में से लाइक दिस ना इत्यादि, तो भाई बात सत्य है, बात गलत नहीं है, बात थी भी ऐसे, और आज के डेट में भी अगर जो साधना क्रम में जुड़े हुए हैं, जो शास्त्रों से जुड़े हुए भगवत सेवा में, हाँ पति परमेश्वर, कोई स्त्री अपने पति पे पूर्ण रूप से आश्रित हो, और पति किस पे आश्रित हो, गुरु पे है ना, पति गुरु पे आश्रित हो, साधना क्रम में जुड़ा हो है ना, भागवत तत्व को, प्रिंसिपल्स को जानता हो, भगवान के प्रति आसक्त हो, लोलुप्त हो पूरा, तो यस पति पाएंगे भगवत धाम, पति के साथ पत्नी भी पाएगी भगवत धाम, उसके लिए पति परमेश्वर रूप से आ गए ना, तो ये बात ऐसा नहीं, हाँ कलयुग में सब हौचपौच है ना, इन श्लोकास में भगवान कितना समझाते हैं, कलयुग मतलब हौचपौच है ना, तो योगो नष्ट परंतपा, खिचड़ी बन गया ना बाबा, खिचड़ी वास्तव में, लेकिन अर्जुन को अब क्यों बता रहे हैं भगवान कि हौचपौच को ठीक करने के लिए, हौचपौच को बराबर करने के लिए इत्यादि, अर्जुन सरल, तो इसलिए तो भगवान ने अर्जुन का चयन किया बिकॉज कृष्णा न्यू के यस आई कुड ट्रस्ट हिम, ही विल नॉट ब्रीच माय ट्रस्ट, एंड कृष्णा कुड नॉट सील, तो यही है बात, तो यही है कि भक्तों सी में सखा चेती, कि वो भक्त है मेरा और वो सरल है ना, सखा है मेरा, उसमें कोई द्वेष भावना नहीं है, हिंसा भावना नहीं है। फिर और थोड़ा सा अब क्या करें, हम कलयुग के जीवन ना, हमें बहुत लॉजिक चाहिए, बहुत लॉजिक चाहिए, क्योंकि लोगों के इतने लॉजिक है, इतने रीजंस हैं, एक्सक्यूजेज हैं एक्चुअली, जो रीजंस के तौर पे प्रकट होते हैं, वास्तव में एक्सक्यूजेज है, और वास्तव में क्या ना, हृदय की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ द माइंड,
हृदय की थोड़ी दुर्बलता, और किसी को हम दोष नहीं दे सकते, दोष नहीं दे सकते हैं। बद जीवन में क्या किसी को दोष दें भाई, किसी पे भूत पकड़ लिया तो क्या दोष दे सकते हैं क्या? भगवान ने कहीं पे दोष नहीं दिया ना अर्जुन को, और कहीं पे ताना नहीं कसा, कहीं पे ऐसे ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि लाइसेंस नहीं है कि किसी का अपमान करने के लिए। नो नो, अ डिवोटी इज वन हु इज ऑलवेज कंपैशनेट, हु इज ऑलवेज कंपैशनेट, बट थिंग्स हैव टू बी अंडरस्टूड एज दे आर इन रियलिटी, तभी तो फिर रियल समाधान आ सकता है। तो अर्जुन से बेटर कोई कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता भाई, अर्जुन से ज्यादा क्वालिफाइड कौन है? कोई नहीं है। तो नो बेटर कैंडिडेट देन अर्जुन। तो भगवान ने अर्जुन का चयन किया, अगर अर्जुन सुन के युद्ध कर लेगा तो हमें भी फिर सुन के भगवान की सेवा में जुड़ जाना चाहिए ना, फिर हमें भी अगर अर्जुन सुन के क्या भगवान ने बोला ना, फिर मेरे माम एकम शरणम व्रजा, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और फिर अर्जुन ने इसके बाद ही अर्जुन ने बोला ना कि नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादात् मया च्युता, त्वत् प्रसादात् मया च्युता, क्या मेरी ये संदेह सारा चला गया है, करिष्ये वचनम तव, आपकी कृपा प्रसाद से मेरा सारा नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादात् मया च्युता, मेरा सारा संदेह और इत्यादि सब नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापस आ गई, मतलब स्मृति वापस आ गई मतलब मेरी आइडेंटिटी, आपके साथ मेरा क्या संबंध है वो सब वापस आ गया, तो अब कैसे मैं आपके वचनों का पालन ना करूं? आपके वचन क्या है? मन मना भाव मद भक्तो मदिया जी माम नमस्कुरु, है तो कैसे आपके वचनों का मैं पालन नहीं करूं? फिर तो किया ना अर्जुन ने पालन। तो अर्जुन से बेटर कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं, और अर्जुन ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया इत्यादि। सो हमें भी अगर क्वालिफाइड होना है ना, हमें भी संसार में अगर कुछ करना है तो अर्जुन के पद चिन्हों पे चलें हम, अर्जुनवत। फिर हाँ, गृहस्थ आश्रम में वो तो कितना रेस्पॉन्सिबिलिटीज ना, इज अ कैरिंग हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इतनी अपने कंधों पे इतना कर्तव्य का सब कुछ बोझ अगर कहें, इतनी हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठा के अर्जुन कर पाए, तो फिर हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए ना, ओ फिर मैं भी अगर भागवत गीता का श्रवण करूं, भगवान के वचनों को समझूं, जीवन में उतारूं, तो मैं भी अर्जुन के तरह विजयी बनूंगा, है ना, मैं भी विजयी बन के निकलूंगा, यही सर्टेन है भागवत गीता में। शुरुआत तो होती है धृतराष्ट्र महाराज जी के प्रश्न से, जो कि वो डाउटफुल में है, क्या होगा क्या नहीं होगा इज नॉट श्योर, बट युद्ध हुआ नहीं, लेकिन संजय जी ने सर्टेनिटी बता दी, संजय जी ने बोल दिया कि मेरा मत है भाई, क्या वो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है जहाँ और अर्जुन है, यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय और भूतिर ध्रुव नितिर मतिर मम। संजय जी ने अपना सर्टिफाइड ओपिनियन पूरा दे दिया, सर्टेनिटी एकदम कि वहीं सारा श्री सारा वैभव विजय, और विजय कैसी नीति के साथ मॉरेलिटी के साथ सब कुछ, ऐसी विजय, वैभव कैसा श्री कैसा करप्ट नहीं, प्योर प्योर वैभव, प्योर विक्ट्री मॉरेलिटी के साथ, और तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर मम। तो ये तो अर्जुन जी का चयन किया क्योंकि गृहस्थ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिजी स्केड्यूल बिजी लाइफ एवरीथिंग, हाईली क्वालिफाइड, और देखिए ना इतना हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति, बट ही उनका विनम्रता देखिए अर्जुन जी की, कि इतने हाईली क्वालिफाइड होके स्टिल ही ओपन्ड अप हिज हार्ट टू कृष्णा, उन्होंने बोला
प्रभुपाद अनुवाद में कहीं बताते हैं, शायद दूसरे अध्याय का पहला श्लोक के अनुवाद में लिखते हैं मेरे ख्याल से अनुवाद में, कि अर्जुन डिप्रेस्ड हो गए थे। संजय जी कहते हैं ना, तो हम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम व्याकम उवाच मधुसूदन, कि अर्जुन जी को रोते हुए रोने लगे ना और पूरा डिप्रेस हो गए थे। तो अर्जुन जी ने व्यक्त किया ना, कृष्ण आई एम डिप्रेस्ड। तो देखिए ये विनम्रता, इतना क्वालिफाइड व्यक्ति वो अग्री कर रहा है भगवान को, मैं डिप्रेस्ड हूँ। सो इट इज ओके टू बी नॉट ओके, संसार में बोलते ही है ना ऐसे कई ये मोटिवेशनल टॉक्स एंड समथिंग विच इज गुड विच इज क्लियर या फाइन नाइस, इट इज ओके टू बी नॉट ओके ना, बट ये है कि हु डू वी रिवील आवर हार्ट टू, हम किन के समक्ष में आए। अर्जुन जी आए भगवान को बोला कि भगवान मैं तो डिप्रेशन में आ गया हूँ, कुछ करिए अब आप। भगवान तब करेंगे जब अर्जुन जी ने समर्पण किया ना। और देखिए समर्पण अर्जुन जी ने किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने प्रश्न किया, आठवें सातवें श्लोक में समर्पण किया, आठवें में नौवें में, ऐसा नहीं है ना बोल दिया और हो गए समर्पित। फिर प्रोसेस चालू हुआ ट्रेनिंग का प्रोसेस चालू हुआ ना। जैसे ही स्कूल कॉलेज में एडमिशन और लो फॉर्म भरते ना, कोचिंग जाते हैं, फीस दे दी एडवांस में, लेकिन क्या आ गया क्या नहीं, फिर ट्रेनिंग में चालू हो गया ना व्यक्ति। तो अर्जुन फिर ट्रेनिंग लेने लगे, ये संवाद डायलॉग चलने लगा पूरा, और ये तो समर्पण तो चलते ही रहेगा ना, ये तो हमेशा तक। ऐसा नहीं है ना कि हाँ आज 15 जुलाई 2022 को अब मैं हो गया समर्पित, बस आज मैं पूरा हो गया समर्पित। नो नो, ये तो धीरे धीरे बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना। तो अर्जुन जी का चयन किया क्योंकि बिजी मैन, फुल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सो मेनी थिंग्स टू लुक आउट, हाईली क्वालिफाइड, और देखिए हाईली क्वालिफाइड होके फीलिंग डिप्रेस्ड एंड ही इज रिवीलिंग हिज हार्ट, शेयरिंग हिज हार्ट। तो भगवान को और इस इनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं मिल पाता। और फिर कैसे ना, फिर अर्जुन जी में ये भाव भी हो भाई गांडीव ना, मेरे पास ये है गांडीव है, और दिस ना सो मेनी सर्टिफिकेट्स है, सो मेनी मेडल्स है मेरे पास। कई बार होता है ना लोग व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं ना, भाई ये तो आता ही है मेरे को, ये तो मेरे जेब में ही है समथिंग, ऐसा थोड़ी संसारी भाषा में भी बोलते हैं ना, इतना नहीं क्या है, मैं क्या बात कर रहे हो, एग्जाम में क्या 40 नंबर नहीं ला पाऊंगा क्या, इजी 60-70 तो इजी है, कहीं नहीं गया, बिना देखे भी लिखूंगा ना आ जाएगा, ओ इजी इजी इत्यादि ना। तो अर्जुन ऑल्सो वेंट अ बिट इनटू अ मोड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस एज वेल। लेकिन कुल मिला के कई चीजें कई पहलू भगवान ने देखे, हेकड़ी भी एग्जाम से पूरी टाइम टाइम फीस हो गई ना, पूरी टाइम टाइम फीस हो गई। तो ये समझने के लिए भैया, ये संसार किस लिए, हमारी हेकड़ी को टाइम टाइम फीस करने के लिए, एकदम गुब्बारे को हमारा कितना गुब्बारा फूल जाता ना अहंकार का, ओ मेरे को इतना ज्ञान हो गया, अब भागवत गीता पता चल गया, अब पता चल गया। तो देखो भक्तों में भी ना, अगर मतलब अगर मैं कभी भी ऐसा समझ लूं कि भाई मेरे को तो अब आ गया भागवत गीता, और या मैं इतना क्वालिफाइड हो गया कि आज मैं क्लास कर सकता हूँ, मैं लोगों के बीच में प्रवचन कर सकता हूँ, क्लास दे सकता हूँ, हाँ ठीक है ये शिष्य ये बच्चे इनको थोड़ा आता नहीं है और मैं समझाता हूँ इनको, हाँ और ये समझ भी पा रहे, ऐसा ऐसा भाव आने लगे ना, तो भैया भगवान को समय नहीं लगेगा गुब्बारा बराबर करने में। एक एक थोड़ा सा कथा भी स्मरण में आ रही है, तो आप सबकी अनुमति लेते हुए थोड़ा शेयर करें, थोड़ी प्रसिद्ध कथा भी है जिन्होंने, कथा मतलब प्रसिद्ध एक घटना भी है, कहानी भी है, अगर आप लोगों ने सुन रखा होगा तो भी बताइएगा। अकबर और बीरबल जी की ना बहुत अच्छी अच्छी मॉरल स्टोरीज हैं, कई एक व्यवहारिक जीवन के अनुसार। तो अकबर और बीरबल जी की होती है ना, तो कुछ एक प्रश्न करते हैं, दो तीन प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न ऐसा कि अकबर भगवान कहाँ है, दिखाओ, दिख तो नहीं रहे इत्यादि, थोड़ा ऐसा संक्षेप में, हाँ कि भगवान कहाँ है, तुम्हारे भगवान दिखाओ, दिखते तो है नहीं, दिखते नहीं है तो फिर कैसे मान लूं इत्यादि। तो बीरबल जी ने कहा, कहीं ना आपको हवा दिखती है क्या,
ये दिखता है क्या, लेकिन है ना, कैसे मानते हो अनुभव से इत्यादि। बाकी दूध में घी है, सत्य बात है ना, दूध में घी, लेकिन उसको घोटना पड़ता है, फेंटना पड़ता है, एक तरीका है। दूध में से मक्खन बनाओ, मक्खन में से फिर घी निकालो। तो उसी प्रकार से आत्मा भी है, भगवान भी है, और हमारा दिव्य शाश्वत संबंध भी है। और ये भक्ति योग वो माध्यम है, कैसे हम अपने हृदय को चरण करें, है ना, घोटें हमारे हृदय को। और घोटने से क्या निकलेगा, देखिए, नाम जप करेंगे गंदगी निकलेगी, गंदगी निकलेगी, और क्या होगा, प्रकाश आएगा हृदय में, और नर्म निर्मलता, सरलता, कोमलता, स्वच्छता, सत्यता आएगी, फिर भगवान वास कर पाएंगे ना। तो ऐसा करके बीरबल जी ने थोड़ा बताया। फिर अकबर जी ने पूछा कि बीरबल, अच्छा फिर भगवान है तो वो करता क्या है, तुम्हारा भगवान क्या करता है बताओ। ठीक है, समझ गया, हवा है इत्यादि, चलो अनुभव की बात है, दूध में घी है, तो उस हिसाब से मैं समझ गया, चलो आत्मा भी होती है, भगवान भी है, और संबंध भी है, लेकिन क्या करते हैं फिर भगवान अगर है तो। हम तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, कार्य इत्यादि, तो फिर क्या करते हैं भगवान। तो फिर बीरबल ने कहा ठीक है, बताता हूँ जहाँ पर ना, पहले आप थोड़ा नीचे तो आओ, आप नीचे आओ, अभी बहुत ऊंचे में बैठ गए हो आप, ठीक है, तो आप आओ इधर आओ, फिर आपको बताता हूँ, निकट आओ। तो फिर बीरबल, अकबर ने बोला ठीक है भाई आता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं ना, बीरबल जी को जानते हैं, बीरबल जी डेमोन्स्ट्रेशन दे के चीजें समझाते थे, डेमोन्स्ट्रेशन दे के। तो अकबर उतरे अपने सिंहासन से और कई सीढ़ियां चढ़ के नीचे आए ऐसे, और फिर आए, और फिर बीरबल ने बोला ठीक है अब आ गए ना, अब यही कोने में पिलर के पास, खंबे के पास खड़े रहो, हाँ बस यही यही, थोड़ा लेफ्ट में आके यही खड़े रहो एग्जैक्ट, अभी रुको अभी बताता हूँ 2 मिनट में भगवान क्या करते हैं। और फिर बीरबल जी स्वयं चढ़े सीढ़ियां चढ़ चढ़ के, और देखे चढ़ के कहाँ, राजा के गद्दी में जाके बैठ गए। बाप रे, सोचो आप, है ना, मुगल राजा अकबर, उनकी गद्दी में जाके बैठ गए, सारे दरबार में सब है, सेना और सभी, और ये बड़े बड़े मंत्री और, लेकिन बीरबल जी जाके बैठ गए। बीरबल जी के पास वो ऐसा थोड़ा वो रिलेशनशिप भी था ना अकबर के साथ, क्योंकि ज्ञान ना, और बीरबल जी का जो ज्ञान था ना वो शास्त्र संबंधित था, शास्त्र अनुमोदित था। तो यही होना चाहिए वास्तव में, जो ज्ञान हो ना हमारा, इट हैज टू बी बैक्ड अप बाय स्क्रिप्चर, ओनली देन वी कैन से यस दिस इज ज्ञान, दिस इज प्रॉपर, दिस इज जेन्युइन। कई जगह हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में देखते हैं ना, चाणक्य पंडित जी को प्रभुपाद कोट करते हैं कई जगह, क्यों, चाणक्य पंडित लौकिक व्यवहार के अनुसार बहुत नीति शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और कहाँ से वो शास्त्रों को कोट या शास्त्रों के हिसाब से, जो कि लाइफ में एकदम सटीक है, भले ही दिव्यता की उतनी बातें ना हो, बट फिर भी एक सतोगुण में और व्यवहारिक जीवन में आने के लिए, और एक दिव्यता का एक ओपनिंग अप देने के लिए, है ना, वो खोलने के लिए खिड़की दिव्यता की, बढ़िया है। तो बीरबल जी ने भी ऐसे हिम्मत गुस्ता की, या हिम्मत करी ना, कि चले गए अकबर के सिंहासन पे बैठ गए, और इतना फ्रीडम, इतना लिवरेज जैसा रिलेशनशिप था, और सब कुछ वो शास्त्रों के माध्यम से समझाते थे और डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए। तो फिर बीरबल जी ने कहा कि यही करते हैं जहाँ पर ना अकबर जी भगवान क्या, लोगों का घमंड, घमंड बराबर करते हैं, है ना, लोगों के घमंड को नीचे उतारते हैं, लोगों के अपनी औकात पे लेके आते हैं, है ना, जो ऊपर बहुत चढ़ गया ना आसमान में, उसको नीचे गिराते हैं, सही से पटक के वो अपनी औकात में समझे, और जो विनम्र है, सज्जन है, जेन्युइन व्यक्ति है, उसको भगवान लिफ्ट कराते हैं, ये कराते करते हैं भगवान। खैर भगवान इतना ही नहीं, यही नहीं करते इत्यादि, भगवान तो वैसे तो वास्तविक कृष्ण तो अपने मूल रूप में, श्याम सुंदर रूप में लीला विहारी करते हैं, लेकिन हाँ विष्णु रूप से सृष्टि का पालन, सृष्टि का व्यवहार, सृष्टि संभालने का करते हैं। जैसे तीसरे अध्याय में भी हमने देखा ना, तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक है, बहुत सुंदर, कि अगर मैं सृष्टि में एंगेज या एक्टिव या जगा हुआ नहीं रहूंगा, अवेक नहीं रहूंगा, तो सारी त्राही त्राही मच जाएगी। तो ये अब तो भगवान क्या करते हैं, ये लोगों का घमंड हल्का करते हैं, नीचे लेके आते हैं, अहंकार जो इतना आसमान छू रहा है, और ये सब कृपा है भगवान की, अगर हमारे अहंकार का गुब्बारा को भगवान सुई डाल के उसको फोड़े नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बाप रे भयंकर गड़बड़ हो जाएगी,
हुआ ना रावण और इनका हिरण्यकशिपु का, बाप रे, अहंकार उनका ब्रह्मांड का छेदन करने को जैसा, हाँ, ब्रह्मा जी की कुर्सी तक खिल गई थी पूरी की, ऐसा अहंकार आए ना भगवान नरसिंह रूप में, किया ना बराबर, भगवान आए रामचंद्र जी के रूप में, किया बराबर। तो अर्जुन जी को भी अगर अहंकार ना, गांडीव इत्यादि ये, तो वो अहंकार का दमन करने के लिए भी, तो ये कार्पण्य दोषो जो दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक है, इसमें सारा कुछ आ जाता है हमारे मूड बनाने के लिए, भागवत गीता का ज्ञान को अर्जित करने के लिए। इन कारणों से भगवान ने अर्जुन का चयन किया। लेकिन जो मुख्य बात है, भक्तों सीमे सखा चेति, अर्जुन सरल भक्त ही, कृष्णा एट फेथ इन हिम, कृष्णा एट कॉन्फिडेंस इन हिम, कृष्णा न्यू ही वुड ऑब्लाइज, ही वुड ऑब्लाइज। तो ये अर्जुन का घमंड भी ठीक करने के लिए। टू मच नॉलेज ना, टू मच नॉलेज, पफ्ड अप हो जाते हैं व्यक्ति, टू मच नॉलेज। तो एक सरलता से अगर कहूँ ना, भागवत गीता का संदेश क्या है, एक प्रकार से संदेश ऐसा भी समझे हम कि भगवान हम सबको कह रहे हैं, अरे मेरे लल्लू लाल, अरे मूर्खो, अरे नालायको, एक प्रकार से अगर समझे ना, अपनी औकात समझो और अपने औकात में रहो। अब ये औकात शब्द थोड़ा अटपटा लगता है ना, थोड़ा भारी, थोड़ा सा इतना स्वच्छ निर्मल या सभ्य नहीं लगता, और साधु समाज में औकात शब्द इतना सुंदर, इतना प्रयोग नहीं होता इसका, लेकिन समझने के औकात या हैसियत मतलब हमारा स्वरूप क्या है वो हम समझे, भागवत गीता का ये संदेश है। हमारा आइडेंटिटी, पहचान क्या है हमारी, आत्मा तो वो तो ठीक है, हम कृष्ण के नित्य दास है, नित्य सेवक, नित्य प्रेमी है भगवान के, कृष्ण भगवान है, हमेशा ही है, हमेशा ही रहेंगे, और हमारा सेवा का ही उनके साथ वो है कनेक्शन। और भगवान भी हमसे प्रेम ही करते हैं ना, भगवान का ऐसा नहीं है भगवान स्वामी पाने में बैठे हैं, विशेष करके अपने स्वयं रूप में, तो भगवान वो तो भगवान स्वयं रूप में तो बंधे हुए हैं ब्रजवासियों के प्रेम से, पूरे के पूरे सरेंडर्ड है वो। भगवान बोलते हैं ना भागवतम में, अहम भक्ता पराधीनो, पराधीन है, अस्वतंत्र है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है पूरे के पूरे। यही ब्रज की लीला में भी भगवान ने करके दिखाया। तो अगर हम देखें भागवत गीता, भागवतम का अनुशीलन करके, बाप रे, कैसे कोई लोलुप ना हो कृष्ण का, कैसे लोलुप ना हो, जगह जगह तो कृष्ण करुणा ही बरसा रहे हैं, कितना प्रेम करते हैं हमसे। तभी देखे ये विवस्वान जी को बताया, फिर बताया 120 करोड़ साल से, और पहले शुरू सृष्टि की रचना करी इत्यादि, सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं। भगवान से ज्यादा धैर्य, पेशेंस है क्या किसी में? हम तो ठुकराते आ रहे हैं भगवान को, अनजाने में, जाने में, है ना? अनजाने में कोई ठुकरा दे तो चलो अज्ञान, कोई जान के ठुकराए तो अपराध है ना, अनजाने में कोई ठुकरा दे तो चलो ज्ञान नहीं है उनको। लेकिन समझिए, अब जान के समझ के हम ठुकराएं और करें तो वो अपराध की बात हो जाती है ना। हम तो अज्ञान, अपराध, सभी कुछ में फंसे पड़े हैं, पाप में या ऐसे करके। कितने धैर्य है भगवान, और फिर भी कितनी कृपा करुणा कर रहे हैं भगवान, और भगवान के भक्त कितने सहनशील। तो इन कारणों से अर्जुन की हेकड़ी भी ना हो, सब कुछ ये हुआ ना, अर्जुन जैसा क्वालिफाइड व्यक्ति उन्होंने समर्पण किया, उन्होंने बोला कि कृष्णा माय माइंड इज कंफ्यूज्ड। हाँ, तो कई बार ऐसा हो जाता ना, हम में ये ईगो बहुत हाई है एक्चुअली, एंड वी आर सो मच कि यार मैं कहीं गलत नहीं दिखूं, मैं कहीं गलत साबित नहीं हूं, और आई नीड टू साउंड गुड इन इंग्लिश, माई इंग्लिश हैज टू कम वेल, आई नीड टू स्पीक एज इफ लाइक यस आई गॉट दिस से ब्रिटिश एक्सेंट, या ऐसा ये वो कहीं आ जाता है ना। अब देखो होता है, होगा कहीं भारत से अमेरिका ये आए गए, भाई मेरे को ये एक्सेंट मिमिक करना, ये आ जाए, अदरवाइज थोड़ा ना ऑफिस की पार्टीज में या इसमें
थोड़ा सा मेरे को कम नहीं लगे, सुपीरियर इंफीरियर है ये सारी चीजें, भाई मेरे को ये आना चाहिए इतना, ताकि मैं फिट इन, फिट इन। वी आर सो ट्राइंग हार्ड टू ब्लेंड इन, टू फिट इन, कि मैं भी इस सभा में लग जाऊं। अब जैसे कोई करोड़पतियों के रिश्तेदारों में है ना, तो हम भी थोड़ा सा वैसा ही, नहीं प्रभु जी ऐसा करना पड़ता है, या भैया आप समझते नहीं हो, सोसाइटी में रहते ना ऐसा होना पड़ता है, समाज में से थोड़ा दिखाना पड़ता है, थोड़ा एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, भैया थोड़ा बहुत इतना चलता है, थोड़ा बहुत। अब इस थोड़े बहुत में कोई सीमा नहीं है ना, पसरा हुआ है पूरा का पूरा, पसर जाते हैं और फिर ये सब दिखाने में आ जाते हैं, और किसको दिखा रहे हैं, बाप रे ये समझ में नहीं आता है। Who are we trying to prove? कितने प्रूव, ये सारी मेंटेलिटी ना, प्रूव करना, इट्स नॉट अ गुड मेंटेलिटी टू प्रूव समवन। Whom are we trying to prove? To show someone, to judge someone, या to revolt, to retaliate भी, है ना? ये वो answer back तो अच्छी बात नहीं है एकदम भी व्यवहार में ना, ये सब पीछे उत्तर देना ना, है ना, बच्चे माँ बाप कोई उल्टा जवाब दे देते हैं, अच्छा नहीं है। और भी ऐसे तो अब अर्जुन जी भी ना प्रूफ करने के लिए है, किसको भाई, सब टाइम टाइम पीस हो गई ना भाई, किसको क्या प्रूफ, बोल दिया ना, सेनायोर उभयोर मध्य रथम स्थापाय मैं अच्युता, रखो मेरा रथ बीच में, देखता हूँ मैं कौन आया है, किसकी हिम्मत पड़ी है मेरे साथ युद्ध युद्ध करे। लो जी भाई ठीक है, अभी मैं सबका बैंड बजाता हूँ, या मैं प्रूफ कर दूंगा कि हम दे। तो इसीलिए ना भक्तों सी में सखा चेती, भगवान चाहते हैं कि भगवान का हृदय एकदम निर्मल है, एकदम कोमल है। भागवतम के दसम स्कंद में कथा आती है, भृगु मुनि जी, ब्रह्मा जी के ही पुत्र भृगु मुनि जी, साधुओं की सभा में पूछते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ, कौन भगवान है, और समथिंग ऑन दोज लाइंस ऐसे करके। तो बोले एक टेस्ट करें, परीक्षा लेते हैं, तो फिर संक्षेप में हम समझें, तो एक टेस्ट करते हैं, एक परीक्षा लेते हैं, ठीक है जी। और टेस्ट केस बनाया, और भृगु मुनि जी बोले मैं स्वयं लेता हूँ। तो पहले ब्रह्मा जी की टेस्ट लिया, अब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु जी, तो ब्रह्मा जी एक दिन समझे अपने चैम्बर या अपने कक्ष में, रूम में आए, या अपने ध्यान करने के लिए बैठे हो, या आए या ध्यान से उठे हो, समथिंग भृगु मुनि जी थे वहां पे, लेकिन उन्होंने अपना पोस्चर और है ना पोस्चर, बैठने का तरीका इत्यादि, वो नहीं बदला, नहीं सुधारा। जैसे कोई बड़े और कोई आए ना रूम में इत्यादि, और विशेष करके साधु हो रहा है तो खड़ा होना चाहिए ना, एटिकेट की ऐसे। तो भृगु मुनि जी ने वो एटिकेट बराबर नहीं संभाला या किया, इनफैक्ट वो बड़े कैजुअल होके वैसे ही बैठे रहे, करते रहे सब, और ना ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पिताजी स्वरूप समझ के भी नहीं, ब्रह्मा जी स्वरूप समझ के भी नहीं, गुरु समझ के भी नहीं, इत्यादि कोई प्रणाम नहीं किया, और अपने में एकदम एकदम मस्त, और जैसे कि ठीक है कोई आया है, आया है समथिंग। तो ब्रह्मा जी को देख के तो वो बोले नहीं कुछ, लेकिन ब्रह्मा जी का हाव भाव थोड़ा बदल गया, क्रोध तो थोड़ा आ गया, कुपितिया ऐसे थोड़े अपसेट तो हो गए, अपसेट होना इज द थिंग है ना, ये अपसेट होना भी अच्छी बात नहीं है, ये शोभा नहीं देता। एक भगवान का भक्त ना कभी अपसेट नहीं होता, नहीं होना चाहिए। अपसेट मतलब वो के कुछ फ्रस्ट्रेशन है ना, इसीलिए अपसेट होता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है, अपसेट हो गए भाई। सो वी हैव आवर सम एजेंडा, लेकिन यशोदा मैया अपसेट होती थी, ब्रजवासी अपसेट होते थे, बट किस लिए, कि कृष्ण के सुख के चिंतन को लेके, कि ये कृष्ण के लिए बढ़िया नहीं है, कृष्ण के सुख के चिंतन को लेके, उसमें हमें अपसेट होना चाहिए, वैसा हमें अपसेट होना चाहिए, कि मैं भक्तों की प्रसन्नता को लेके कुछ ठीक नहीं कर रहा हूँ, भक्त प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, भक्त अपसेट हो रहे हैं मेरे से, सो आई शुड बी गेटिंग अपसेट, यस, बट नॉट फॉर माई ओन एजेंडा, नॉट फॉर माई ओन एक्सपेक्टेशंस। ओ मैंने ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऑल दिस एंड देन आई गेट अपसेट। तो ब्रह्मा जी थोड़े अपसेट हो गए कि ये देखते हुए, भृगु जी कुछ सेंस ना, ओके सो वाओ ही स्टिल आफ्टर सम नेम फेम, या ही गेट्स अपसेट एंड आल्सो ही वुडंट बी द टॉप मोस्ट। फिर पहुंचे शिव जी के पास, अब
शिव जी भृगु जी भाई भाई है ना, और तो गए कैलाश में, शिव जी के पास पहुंचे इत्यादि ऐसे, और थोड़ा सा अपना टेस्ट का लेवल बार भी ऊंचा कर दिया। तो गए शिव जी के पास और फिर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए देखते हुए भृगु मुनि को आते हुए दूर से। तो फिर शिव जी भी खड़े हो गए टू रिसीव ब्रदर, और वेलकम करने लगे, चल पड़े आगे आए और जैसे आलिंगन करना चाह ऐसे हाथ खोले अपने। तो भृगु मुनि जी देखते हुए टेस्ट के अंतर्गत, फिर भृगु मुनि जी बोला दूर हो जा, वहीं खड़ा रहे, दूर पास में मत ऐसे। और ये क्या कर रहा है, हाथ पकड़ के आगे ऐसे मेरे हाथ पकड़ने के लिए, पहले नहा के आया है, पहले ये देखा अपना शरीर हाल वाल देखा, मेकअप देखा कैसे रह रहा है एकदम गंदार इत्यादि ऐसा। भृगु मुनि जी कैर वी डोंट वांट टू गो लाइक, इसको कोई इन चीजों को ना हमें कोई रोमांच या मनोरंजन या संसारी कथा के अनुसार नहीं है, इसमें कोई कॉमेडी फिट करने वाली बात हो कि वो ऐसे लाइन बोलूं और ऑडियंस हंसे। ये वास्तव में भागवत गीता भागवतम का जो अध्ययन है ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं है, टू ओ या ही स्पीक्स सो गुड ना, ही क्रैक्स जोक्स एंड ऐसे, ठीक है, बट जो सादगी और जो सेंकिटी और प्योरिटी वो समझते हुए। तो इसको कहने का ऐसा है कि हम लो लेवल बनाने के लिए नहीं है, लो लेवल बनाने के लिए नहीं है, वास्तव में ये तो जितना हम निरपेक्ष और जितना हम ईगो रहित होके समझ सके वो बात है, और जितना ईगो रहित होके हम कृपा को आकृष्ट करना चाहें। तो ठीक है, भृगु मुनि जी ने शिव जी को ऐसे उनका तिरस्कार किया, शिव जी भी कुपित हो गए ऐसे, और शिव जी भी वहां पे बताते हैं त्रिशूल या कुछ निकालने लगे या उनको डंडिया मारने के लिए, क्रोधित हो गए एकदम से। तो पार्वती जी ने रोका, क्या कर रहे हो भाई, आपके छोटा है, छोड़ो इसको इत्यादि समथिंग समझाए ऐसे ऐसे से। फिर भृगु जी ने भी बोला ठीक है ओके एंड ठीक है मूव ऑन या लेफ्ट इट देयर। बढ़ते हुए आगे फिर कहाँ, वैकुंठ गए है ना, भगवान नारायण के पास गए, वैकुंठ में गए और क्या देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण और नारायण इज टेकिंग रेस्ट, सो रहे हैं भगवान, अभी चतुर्मास भी शुरू हुआ ना तो सो रहे हैं भगवान। तो ये देखते हैं, और लक्ष्मी जी कहाँ, लक्ष्मी तो नारायण के चरणों में निवास करती है ना हमेशा, तो लक्ष्मी जी नारायण जी के चरण कमलों का पद पंखार रहे हैं, उनके मसाज कर रहे हैं चरणों को। तो भृगु जी को आते देख लक्ष्मी जी भी उठे और थोड़ा सा, और भृगु जी क्या इतनी अभी अभी और टेस्ट का लेवल बढ़ा दिया, इतनी स्पीड से गए और क्या किया, भगवान नारायण के वक्ष स्थल पे उनके चेस्ट पे हार्ट हार्ट पे जोर से लात मारी, खूब खींच के जोर से लात मारी। और फिर ये तो अब देखिए, ब्रह्मा जी को जब टेस्ट लिया ना, कुछ शब्दों से कुछ नहीं कहा, जस्ट जेस्चर की बात है, और फिजिकली कुछ ही नहीं, शब्दों से ही नहीं कहा, फिजिकली भी कुछ नहीं, केवल जेस्चर की बात। एंड ओके, ब्रह्मा गॉट, लॉर्ड ब्रह्मा जी गॉट अ बिट एजुकेटेड, शिव जी के पास गए तो शब्दों से कहा, फिजिकली कुछ नहीं, जेस्चर और शब्दों से भी कहा, शिव जी भी थोड़े एजिटेट हो गए, अभी लेवल बढ़ा दिया। विष्णु भगवान के पास गए, नारायण जी के पास गए तो क्या, लात मारी, और जेस्चर भी खराब, शब्दों का भी प्रयोग किया, आप शब्दों का प्रयोग किया, अपमान किया और चोट भी पहुंचाई, सब कुछ लात मारी खूब जोर से वक्षस्थल पर, और फिर और क्या, शब्दों से भी कहा ना कि आलसी कहीं का सोते रहते हैं केवल, चल देखो कुछ पड़ी नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल, कितना सोता है और कितना रेस्ट में, और फिर पैर दबाते रहो, तुम्हारे पैर दबाते रहो, कुछ है कि नहीं काम धंधा करने को, पड़ा है बस केवल। तो ऑन दोज लाइन्स बहुत हैवीली ना, तो ऐसे। और भगवान का क्या देखे, ये भगवान का सरलता, हृदय का भाव देखे भगवान का, कितने तत्पर है, किसके लिए, भगवान ब्राह्मणों का कभी भगवान वो नहीं करते, अपमान नहीं करते, कितना मान सम्मान रखते हैं, देखिए साधुओं का ब्राह्मणों का। जब नारद जी आते थे द्वारका में भगवान से मिलने, बाप रे कैसे भगवान सेवा करते थे, है ना, सुदामा विप्र भी आए ना, कैसे भगवान ने सेवा करी। तो भृगु मुनि जी को देखते हुए भगवान के पहले, भगवान के मुंह से क्या निकला, भगवान कहते हैं आइए आइए भृगु जी, धन्य भाग हमारे, आप पधारे, भृगु मुनि जी क्षमा करिएगा,
मेरा वक्ष कठोर है, ये भगवान कह रहे हैं, मेरा चेस्ट चेस्ट ना छाती मेरी कठोर है, हार्ड है, आपके चरण बहुत कोमल है, सुकोमल है, कहीं आपको चोट नहीं लग गई हो, मैं आपके चरणों को सहलाता हूँ, कृपा करके मेरे को आपके चरण सहलाने दीजिए, मसाज करने दीजिए। दिस इज द थिंग एंड देन प्रभु ने सेड ओके, तुम हो जो एजिटेट नहीं हुए एंड रादर यू टुक इट कम्प्लीटली द अदर वे, द ऑल टुगेदर द डिफरेंट वे, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस आउटकम, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा रेस्पॉन्स आएगा। सो दिस इज द थिंग, भक्ति करके भगवान का नाम जप करके हृदय शुद्ध होना चाहिए, हृदय निर्मल होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, तब सारे भाव सारे चीजें समझ में आएगी। तो भक्तों सी में सखा चेती, अर्जुन का हृदय देखिए, अर्जुन को तो निमित्त बनाए ना भगवान, लेकिन वही बात है, हम कलयुग के जीव है ना, हम बहुत 21वीं सदी के लोग हैं, हम बहुत लॉजिक, बहुत रीजन एक्सक्यूजेस देते हैं, लॉजिक समय बहुत चाहिए ना, वाई दिस वाई दैट ये वो। तो कोई एक ऐसा आप लोग सोचिएगा थोड़ा, आज कल परसों तरसों जब भी हो बताइएगा कि भैया इस कारण से कोई भक्ति नहीं कर सकता, अगर ये कारण है, ये कारण से कोई भक्ति नहीं कर सकता, हाँ, टू मच ऑफ टू स्टडी, टू मच टू दिस एंड ऑल्सो, ये भक्ति नहीं कर सकती है। तो कुछ इन कारणों से भगवान ने अर्जुन जी का चयन किया और अर्जुन जी को भागवत गीता का ये दिव्य संदेश हमारे हित के लिए अर्जुन जी के माध्यम से दिया। अर्जुन जी तो देखिए मोह में भगवान की योजना के अंतर्गत ही लाए गए और फिर भगवान की मोह से निकाल भी दिया केवल उसी पीरियड के लिए, और हम तो हमेशा से ही मोहित हुए पड़े हैं, बट अब नहीं हो। ठीक है, समय तो आप सभी का काफी ले लिया क्या? कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें, आप लोग कुछ ऐड करना चाहें या कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहें, कोई विचार हो, कोई थॉट्स हो, एनीथिंग कमेंट, एनीथिंग टू शेयर देन। ये पफ्ड अप होना अच्छी बात नहीं ना, पफ्ड अप मतलब क्या, फुलका होता है ना, फुलका फल का फूलता है ना वो, उसी तरह से हम भी खूब फूलते हैं। जैसे एक बार पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, फुटबॉल खेलते हुए हमारा हाल वैसा ही रहता है, फुटबॉल की तरह ही, कैसा फुटबॉल मारते हैं ना और क्या आसमान में उड़ता है, लात मारी और आसमान में उड़ता है ना, तो फुटबॉल को कैसा लगता है, देखो भैया मैं आसमान में हूँ, कितना ऊंचा उड़ रहा हूँ देखो, और तुम लोग सब नीचे, लेकिन फिर क्या ऊंचा जाता है और फिर गिरता है ना पूरा, फिर नीचे आता है, गिरता है ना, फिर लात खाता है, ठोकर ही खाता है इत्यादि। अब हम में देखे कैसे भाव आने लगते हैं ना, एरोप्लेन में बैठो तो ऐसा लगता है हाँ भाई अब मैं भी रईस या एरोप्लेन, और वही बस में बैठो तो ऐसा लगता है भाई ये है सो मच ना, क्योंकि हम अपने आप को एसोसिएट इतना करते हैं मैटर से, इतना स्ट्रांगली, इतना स्ट्रांगली। वास्तव में कोई गरीब नहीं है, गरीब वही है जिसके पास ये हरि नाम का धन नहीं हो, भगवत विद्या भगवत ज्ञान नहीं हो, वो अभाव में है, वो गरीब है ना, ये कोई गरीबी थोड़ी ना है। और ऐसी कई चीजें हैं जिन कारणों से अर्जुन का चयन किया अर्जुन जी ना भाई। कई बार ना हम भारतीय ऐसा बोलते हैं, भारत में भारत के बाहर ग्रंथ वितरण करने जाते हैं ना, और भागवत गीता हमारे पास है, भागवत गीता है और क्या, आई ऑलरेडी नो, हाँ आई ऑलरेडी नो। और हम भारतीयों में ना बहुत पैसे की भी बात होती है ना, तो भाई पैसे बचाने के लिए डिस्काउंट में मिल जाए, फ्री में मिल रही हो इत्यादि, और खैर डोनेशन में भी हम भारतीय लोग बहुत आ गए हैं, ये बात भी है भाई वास्तव में बहुत, और है अच्छा ही है। तो ऐसा का आ जाता है शुरू में कि भाई हमें पता है भागवत गीता या ये कल्चर, हमें क्या समझाओगे सिखाओगे, भारत में भी भारत के बाहर बोलते हैं ना हमें पता है। तो अर्जुन भी ना कितना कुछ पता था उनको, हो गई ना टाइम टाइम फेस, फिर से अर्जुन की नहीं हुई, अर्जुन को मोह में डाला गया, इस योजना के अंतर्गत हमारी टाइम टाइम फेस हुई भी है, एंड इट इज वेरी ओके टू बी नॉट ओके, इट इज वेरी ओके टू शेयर आवर हार्ट, टू शेयर आवर माइंड, जस्ट थिंग इज हुम डू वी शेयर, हुम डू वी रिवील,
ना, किनको हम बताएं, किनको? अर्जुन जी ने भगवान को ही बताया ना, भगवान का ही रोल प्ले कर रहे हैं ना, भगवान मेंटर का रोल प्ले कर रहे हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर का रोल प्ले कर रहे हैं अर्जुन के लिए, मेंटर का, फ्रेंड का, गाइड का, माँ का भी रोल प्ले कर रहे हैं भगवान, पिता का भी रोल प्ले कर रहे हैं, गुरुदेव का रोल तो प्ले ही कर रहे हैं, और भगवान तो भगवान है ही। तो हम किनके समक्ष बोलें? ठीक है, आज यही विराम दें क्या? बहुत सुंदर श्लोक है ये, चौथा अध्याय का तीसरा, और क्या, भक्तो सी में सखा चेती रहस्यामि एतद् उत्तमम्। तो देखिए, रहस्य बोलते हैं ना भगवान, लेकिन क्या ये रहस्य, आगे भी और देखेंगे एक जगह और, नवे अध्याय में कहीं और भी आता हो, रहस्य कैसा, ये ओपन सीक्रेट है। रहस्य का मतलब क्या, सीक्रेट ना, गुप्त। इस तुम अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो किसी रहस्य या सीक्रेट या गुप्त बात को समझने के लिए क्या चाहिए, मित्रता है ना, फ्रेंडलीनेस, जेन्युइननेस, भक्त वाला भाव, वो चाहिए। तो इसीलिए अदरवाइज तो भागवत गीता बोलते हैं ना, एक प्रकार का ओपन सीक्रेट है। अब कोई चीज ओपन सीक्रेट कैसे होता है ना, ओपन बुक एग्जाम, खुली किताब है, एग्जाम पेपर आ गया, किताब देख के करते रहो, तो ओपन बुक सीक्रेट है ये भागवत गीता ना, ओपन सीक्रेट। ओपन किसके लिए, जिसका हृदय ओपन है, हु इज फ्लेक्सिबल, हु इज अलाउइंग हिमसेल्फ टू बी यूज्ड बाय कृष्णा, हु इज सिंसियर, हु डिजायर्स, हु वांट्स टू नो, हु वांट्स टू स्टडी, हु वांट्स टू अंडरस्टैंड, एंड देन अप्लाई, एंड देन अप्लाई। यस, अर्जुन ने किया ना अप्लाई। अरे आज हमें पता चल जाए कि भाई समझे आप, कोई हीरो या कोई स्पोर्ट्स स्टार, विराट कोहली भक्त बन गया भाई, वो तिलक लगाता है, कंठी माला, धोती कुर्ता, तिलक डालता है और नाम जप करता है वो, और बड़े लोग रिटायर होके भक्त बन गए, साइंटिस्ट, इंजीनियर, ये भक्त बन गए हैं। तो ये ना, तो भगवान ने अर्जुन का चयन किया कि देखो, अगर अर्जुन भक्त बन जाएगा, इतना क्वालिफाइड हो गए, तो संसार में बाकी फॉलो कर ले अर्जुन को देखते हुए। लेकिन हम कितने अड़ियल हो जाते हैं, बाप रे, हम कितने अड़ियल हो। वी डू नॉट कंसिडर अर्जुन इज अ वेरी वेरी क्वालिफाइड, इवन इफ इट्स क्वालिफाइड इट्स फाइन। क्या ना, हमें एक ऐसा भाव है, सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। तो ये भी कई समस्या है ना, कि प्रभु जी बोला तो बहुत बढ़िया आपने, सारी पॉइंट्स में मैं एग्री करता हूँ, बट स्टिल आई वुडंट वांट टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई वुड स्टिल वांट टू डू माय ओन थिंग, मतलब पिक्चरों देखना इत्यादि सब कुछ, मतलब एवरीथिंग ठीक है, आपका सुन लेंगे कभी कभी, बट स्टिल आई वुड वांट टू कैरी ऑन। एनीवेज, और बात, जीवन में कभी हम किसी को, अपने आप को इतना सीरियस ना लें, ये बात भी है, इसलिए भगवान उनका फिर चयन करते हैं। और किसी व्यक्ति को कभी हमारा ऐसा कोई वो नहीं है कि वी कैन, वी नेवर हैव अ लाइसेंस टू पुट डाउन एनीवन। ठीक है, आपके धैर्य पूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।